हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। बहुत जल्दी रमज़ान शुरू हो जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है और बाहर से हम कुछ भी नहीं ला पाएंगे। जो इफ्तार के वक्त सभी लोग कम से कम ये चीज़ें तो अपने दस्तरखान पे पेश करते ही हैं, जो हमेशा रहती हैं, जैसे कि नुक्ती या बूंदी जिसे कहते हैं, सेव रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं और घर की बनी चीज़ें। तो अब बाहर से नहीं आ पाएंगी तो इसे हम घर में भी बना सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ सीखिए। ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, मैंने 3/4 कप, 3/4 कप जो मेजरिंग कप से होता है उससे मैंने बेसन लिया है। इसको हम ऐसा घोलेंगे कि इसमें लम्स ना बचें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको घोल लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा बस हम इसमें और डालेंगे। हमको आधा कप से भी कम पानी लगा है और इसको हम फेंट के 5-10 मिनट के लिए सेट होने, स्मूथ होने के लिए छोड़ देंगे। बूंदी क्योंकि ऑरेंज कलर की रहती है तो थोड़ा सा हम इसमें ऑरेंज रेड फूड कलर डालेंगे, अच्छा सा कलर आ जाता है। ये बस इस तरह का फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हमें लगेगा। इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसमें हम ये तरबूज के या मगज़ जिसे कहते हैं ये डालेंगे। और 1 कप हमने शक्कर ले लिया है जिसकी चाशनी हम बनाएंगे। खुशबू के लिए इसमें हम गुलाब जल बाद में डाल सकते हैं, या आपको जो भी खुशबू पसंद है, और नहीं पसंद है सादा रखना चाहते हैं तो वैसा भी रख सकते हैं। बूंदी निकालने के लिए मेरे पास ये वाला झारा है, लेकिन ये सबके पास नहीं होता है तो बिल्कुल परेशान ना हो। आप जो पोहा छन्नी रहती है उससे भी कर सकते हैं, या सादा झारा जो हम तलने में यूज़ करते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। तो मैं अब चाशनी चढ़ाती हूँ जब तक ये हमारा सेट हो रहा है। ये हमको चाशनी लगेगी तो 1 कप हमने शक्कर ले लिया और ये आधा कप पानी डाल के हम चाशनी चढ़ा देते हैं धीमी आंच पे। ये जो कलर था थोड़ा सा हम डाल देते हैं कि अच्छा प्यारा सा इसमें रंगा जाएगा। थोड़ा सा चाहे तो और डाल लेंगे। ये देखिए, ये इस कलर का है, ऑप्शनल है ये, लेकिन अच्छा लगने लग जाता है इसलिए हम इसको डाल ले रहे हैं। अब ये चाशनी हमारी बन रही है। 5 मिनट हो चुके हैं बेसन भीगे हुए। 5 मिनट बाद हम तेल गरम करते हैं। जब तक बूंदी को आप चाहें तो असली घी, वेजिटेबल घी या रिफाइंड ऑयल किसी में भी बना सकते हैं, आपका पर्सनल चॉइस है। तो फ्रेंड्स, तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसको धीमा कर लेंगे और इसको हमें ऊपर रखना है। और ये जो हमको डालना है इसमें से हम, या तो अगर आपके पास 2 लोग हैं हेल्प कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो आप अकेले ही करिए, संभाल के करिए। इसको अब हम ऐसे ऐसे करते जाएंगे और ये अपने आप नीचे बूंदे आती जाएंगी। बस इसको हिलाते रहिए कि एक जगह सारी बूंदे ना टपके। अगली बार जब हम तलेंगे तो आपको झारे को साफ करना पड़ेगा, नहीं तो नीचे से उसका ब्लॉक हो जाएगा। जो है ये हम इसमें खाली कर लेंगे, साफ करेंगे और फिर हम नेक्स्ट लॉट डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है, बेसन पे डिपेंड करता है, अगर आपका बेसन जितना पानी मैंने बताया आपको लग रहा है कि थोड़ा थिक है तो बहुत थोड़ा सा पानी मिलाइएगा और कर लीजिएगा। ये मेरा सेकेंड लॉट है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बूंदी बनाने में और इसको बना के हम आराम से रख सकते हैं। जब ठंडी हो जाए तो एयर टाइट डब्बे में हम रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है।
फ्रेंड्स, ये चाशनी से हमने निकाल ली है। इसको थोड़ी देर हमको हवा में ऐसे ही फैला के रख देना चाहिए। जो भी हमको मिक्स करना है, कलर्स या सीड्स जो भी करना है उनको करके हम इसे हवा में रख देंगे तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये जो मैंने रेड कलर के किए थे इन पे मैंने चाशनी डाल दी है और अब मैं इनको मिला दे रही हूँ। मैंने साथ में नहीं मिलाए थे। आपके पास रेड कलर या कोई और कलर ना हो तो बिल्कुल परेशान ना हो, नेचुरल कलर में भी ये बूंदी बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास कलर्स हैं तो मैंने ये डाल लिया और ये बहुत अट्रैक्टिव लगने लग जाती है। और इस तरह से अगर आप रोज़ों के लिए तैयारी अपनी घर में धीरे धीरे करना चाहते हैं तो रोज़े शुरू होने के 2-1 दिन पहले आप बना के रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। अभी इसको हम 2-3 घंटे ऐसे ही पंखा चला के रख देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। फिर इसको हम डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में हम इसको आराम से रख सकते हैं। तो मेरी बहनों भाइयों, अगर आपको नुक्ती खाने का दिल हो रहा था तो ये बहुत आसान है। मैंने अपने झारे में बताया, लेकिन जो झारे हम घर में यूज़ करते हैं उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। जिसमें हम पोहा भिगाते हैं उस छन्नी में भी बना सकते हैं। बस इसी तरह से बनाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको। और आगे से आपको बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं होगी कि हम बाज़ार से बूंदी लेके आए, साफ़ सुथरे उसमें और हेल्दी हम बना पाएंगे। और अभी हमको लॉकडाउन में बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और देखिए मेरी रेसिपीज़, मैं आपको और भी रेसिपीज़ ऐसे ही बताती रहूँगी जो कि हम अफ्तार में घर में बना सकते हैं। शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा इंग्लिश चैनल भी है शाहिंस किट, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो वहाँ बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। अब मैं हिंदी में, क्योंकि बहुत डिमांड रहती है कि मैं हिंदी में शूट करूं, तो मैं उनमें से भी कुछ रेसिपीज़ हिंदी में शूट करूंगी। घर में रहिए, सेफ रहिए और रमज़ान में अपनी इबादतें जारी रखिए। अल्लाह हाफिज़।